एक इंसान जिसका नाम एलन मस्क है, उसने जाने कब यह सपना देखा कि क्या होगा अगर यह धरती एक दिन पूरी तरह से गर्म हो जाएगी, और क्या होगा जब इस धरती पर रहने की सारी परिस्थितियां खराब हो जाएंगी। सवाल के साथ ही साथ उसके सपने में जवाब भी था। उसने सोचा और ठान लिया कि वो इस दुनिया से अलग दूसरी दुनिया यानी कि पृथ्वी से अलग मंगल पर जीवन की परिस्थितियों को इंसान के रहने लायक बनाएगा। उसके सपने पर दुनिया तब से भरोसा करने लगी है जब से उसके मार्स पर कॉलोनी बनाने वाले प्रोजेक्ट में स्पेसएक्स के साथ ही नासा भी आ गई। नासा के नाम से ही विश्वास अपने आप लोगों के मन में पड़ जाता है। खैर, अभी तो तैयारी जारी है, लेकिन मस्क की माने तो 2050 तक वो मंगल पर करीब 1 मिलियन इंसानों के रहने लायक एक शहर बनाएंगे। तो आखिर कैसा होगा वो शहर और कैसे लोग सर्वाइव करेंगे मंगल पर जहां जरूरी ऑक्सीजन से लेकर खाने पीने की चीजें भी मौजूद नहीं है। इन्हीं सारे सवालों के जवाब लेकर आए हैं आज हम आपके लिए, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि टेस्ला अपनी कारों में पहले ही फ्यूल का इस्तेमाल करने से मना कर चुकी है, इसी तरह स्पेसएक्स रॉकेट्स में बहुत कम फ्यूल में ही काफी ज्यादा दूरी तय करने की आसान तकनीक पर काम कर रहा है। चूंकि धरती से मंगल की दूरी ही 6,20,00,000 किलोमीटर है, इसीलिए अगर इतने लोगों को मार्स तक ले जाना है तो स्पेसएक्स को कम फ्यूल वाली तकनीक पर ही काम करना होगा, वरना उनका सपना शायद साकार ना हो सके। स्पेसएक्स के हवाले से जो खबरें हैं उसके हिसाब से मंगल तक पहुंचने के लिए खास तरह की स्टारशिप का निर्माण कार्य जारी है, जिसे ज्यादातर टेस्ला में इस्तेमाल होने वाली बैटरी से ऑपरेट किया जाएगा, जिस वजह से फ्यूल कम लगेगा। चलिए, स्टार्टअप अपना काम अगर सही से पूरा भी कर दे तो आप तुरंत पूछ पड़ेंगे कि अब वहां पहुंचकर नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, और कैसे बनेगी ये पूरी कॉलोनी। तो सबसे पहले चलिए आपको उस बात पर ले चलते हैं कि आखिर हम पृथ्वी छोड़कर मंगल पर ही ऐसा क्यों करने का सोच रहे हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हमारे आसपास जो दो ग्रह हैं उनमें एक तो शुक्र है और दूसरा मंगल। अब हम शुक्र का चुनाव इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहां उसी तरह की गर्मी और अनियंत्रित तापमान है जो आने वाली कुछ सदियों में धरती पर होने वाला है। यानी हम जिस चीज से भाग रहे हैं उससे बदतर चीज हमें शुक्र पर मिलेगी, इसीलिए चेकलिस्ट से वीनस यानी शुक्र को हटा दीजिए। अब बात करते हैं पड़ोसी मंगल बाबू की, तो हम जान पाएंगे कि मंगल पर वीनस जितनी आग उबलती गर्मी तो नहीं है, लेकिन वहां इतनी ठंड जरूर है जितनी कि हमारे यहाँ आर्कटिक इलाके में होती है। लेकिन मुश्किल सिर्फ ठंड की नहीं है, इस ग्रह पर जरूरी ऑक्सीजन और एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, फिर भी यहाँ लोग कैसे भेजेंगे। आइए अब आपको तफ्तीश से बताते हैं। तो जैसा कि स्पेसएक्स और नासा की मिलीभगत की माने तो 2026 तक पहले इंसानों का एक छोटा ग्रुप भेजा जाएगा जिनके पास खाने पीने से लेकर जरूरी ऑक्सीजन और प्रेशराइज सूट होंगे जो 2 सालों तक के लिए पर्याप्त होंगे। लेकिन इंसानों के जाने से पहले मंगल पर पहले कुछ ऐसे बेस बनाने पड़ेंगे जिससे कि वहां की जानलेवा धूल भरी आंधी से इन इंसानों को बचाया जा सके और रहने के लिए कोई परमानेंट जगह मिल सके। अब आप जरूर पूछेंगे कि जब इंसान गए ही नहीं तो वहां शेल्टर बनाएगा कौन, तो इसका जवाब है रोबोट्स। जी हाँ दोस्तों, इंसानों से पहले मंगल पर AI टेक्नोलॉजी वाले ऐसे रोबोट्स भेजे जाएंगे जो वहां पर रहते हुए इन शेल्टर का निर्माण करेंगे। ये प्रोटेक्टिव शेल्टर असल में मार्स की मिट्टी से ही बनाई जाएगी, क्योंकि रोबोट्स कोई आम बातचीत करने वाले रोबोट नहीं है, इसीलिए इनमें खास टेक्नोलॉजी होगी। जैसे कि ये रोबोट्स वैसे तो अलग अलग होंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर ये एक साथ मिलकर भी काम कर सकेंगे, और ये रोबोट्स आलसी इंसानों से कहीं ज्यादा काम करने में सक्षम होंगे, जिनमें कैमरा, सेंसर और मिट्टी खोदने के लिए एक्सकेवेटर और मॉडल बनाने के लिए 3D प्रिंटर्स लगे होंगे। सबसे पहले तो ये रोबोट्स एक जगह का चुनाव करेंगे जहां की मिट्टी से शेल्टर को बनाया जाएगा। इसके बाद मिट्टी खोदने वाले एक्सकेवेटर्स अपने काम पर लग जाएंगे और वो जमीन से मिट्टी निकालने के बाद उसे स्टोर करेंगे एक दूसरे रोबोट में, जहां से मिट्टी साफ होने के लिए जाएगी और उसके बाद इसे 3D प्रिंटर में डालकर जरूरी ढांचा तैयार किया जाएगा। कई महीनों तक इस काम को धरती से मॉनिटर करते हुए पूरा किया जाएगा। जब शेल्टर बनकर तैयार हो जाएगा तो ये रोबोट्स अपने दूसरे टास्क के लिए तैयार हो जाएंगे। असल में जब इंसानों का ग्रुप मंगल पर जाएगा तो उसके साथ बहुत ही सामान भी होगा, जिसे स्पेसशिप से उतार कर शेल्टर तक लेकर आएंगे ये रोबोट्स।
और उन सामानों को सही ढंग से उनके निर्धारित स्थान पर रख देंगे। उनके साथ ही उन प्रेशराइज्ड यूनिट को भी अलग अलग करके रख देंगे जिसमें इंसान रहेगा। इन सभी यूनिट्स को जोड़ते हुए एक इलेक्ट्रिसिटी लाइन बिछा दी जाएगी जो एक सोलर फार्म से बिजली लेकर चलेगी जो पहले से ही रोबोट्स के द्वारा बनाया गया रहेगा। अगर किसी इंसान को मंगल की सैर का शौक लगेगा तो उसके लिए भी बंदोबस्त रहेगा। एक गाड़ी उसके कैबिन के दरवाजे से आकर लग जाएगी जिससे कि प्रेशर रिलीज ना हो और उसके बाद वो उस गाड़ी में बैठकर घूम सकता है। इसके बाद एक ग्रीन हाउस बनाने का काम शुरू होगा ताकि सब्जियां उगाई जा सके। रिसर्च की माने तो मंगल पर शुरुआत में आलू और बीन्स की सब्जी उगाई जा सकती है। इस ग्रीन हाउस का जो सबसे बड़ा इस्तेमाल है वो है ऑक्सीजन पैदा करने का। असल में होगा कुछ यूं कि जैसे जैसे ग्रीन हाउस में पौधे बड़े होंगे वैसे ही वो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे जिस वजह से जरूरी लेकिन अपर्याप्त ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। लेकिन इस ऑक्सीजन से बहुत लाभ नहीं होंगे, कृत्रिम तरीके से ऑक्सीजन बनाने के प्लांट्स भी लगाने होंगे। ऑक्सीजन बनाने के लिए जो रिसर्च पहले की जा चुकी है वो मार्स रोवर मशीन से की गई थी जो मंगल के वातावरण से CO2 लेकर उसमें हीट और जरूरी इलेक्ट्रिक करंट के जरिए ऑक्सीजन के दोनों एटम को अलग करके O2 बनाएगा। और दोस्तों आपको बताएं कि मार्स की जमीन के नीचे जमे हुए पानी का भंडार भी ये मार्स रोवर मशीन पहले ही ढूंढ चुकी है। तो अब अगर देखें तो हमारे पास सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, खाने के लिए सब्जियां और पीने के लिए पानी मंगल पर उपलब्ध होगा। लेकिन समस्या अभी भी वही है, क्या इंसान हर समय अपने कैबिन में ही रहेगा? क्या उसके कभी बाहर निकलने का कोई उपाय नहीं मिलेगा? तो शायद इसका एक ही उपाय संभव है और वो ये है कि किसी तरह से मार्स का वातावरण का तापमान बढ़ाया जा सके। इसके लिए एलोन मस्क की राय है कि मंगल पर एक साथ करीब 10,000 न्यूक्लियर मिसाइलें छोड़ दी जाएं, जिससे कि वहां का तापमान बढ़ जाएगा और मंगल पर भी धरती जैसा माहौल बन जाएगा। इसके बाद भी वहां इंसानी जीवन के लिए आसान संभावनाएं नजर आएंगी। आप भी अगर मार्स से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों से वाकिफ हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो Facebook पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।